हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है मोव। मोव मीन्स कुचल देना, किल बाय नॉकिंग डाउन विद विकर। अब मोव को हमने म्याऊ से रिलेट कर लिया। म्याऊ यहाँ पर हम बिल्ली को बता रहे हैं, म्याऊ या माओ म्याऊ। मेरी म्याऊ या मेरी बिल्ली को उसने कार के नीचे कुचल दिया, मेरी म्याऊ को उसने माओ कर दिया, मेरी म्याऊ को उसने कुचल दिया, माओ कर दिया। नेक्स्ट है हमारा मल। मल मीन्स विचार करना, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, कंटेम्पलेट, पॉन्डर, डेलिब्रेट। मल को हमने मोल से रिलेट कर लिया, मल मोल, सेम साउंड आ रही है, मल मोल। आज हम मॉल में जाने का विचार कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिश्तेदार को बता रहे हैं कि आज हम मॉल में जाने का मल कर रहे हैं, मॉल में जाने का विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है मस्टर। मस्टर मीन्स एकत्र करना, गैदर टूगेदर, सम अप ए फीलिंग, असेंबली, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। मस्टर को हमने मास्टर से रिलेट कर लिया, मास्टर ने आते ही सभी बच्चों को इकट्ठा किया, गैदर किया। जैसे ही मास्टर स्कूल में या किसी कोचिंग क्लासेस में आए तो उस मास्टर ने सभी बच्चों को क्या किया, मस्टर किया। मास्टर ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, मस्टर किया। नेक्स्ट है हमारा म्यूटिलेट। म्यूटिलेट मीन्स नाश करना, टू डैमेज सेवरली, क्रिपल, मेम या इनकैपेसिटेट कह सकते हैं हम इसको। अब इसको हमने रिलेट किया, म्यूटिलेट को हमने मोती लेट, मोती यहाँ किसी का नाम हमने रख लिया, मोती लेट, म्यूटिलेट मोती लेट। मोती ने सीजीएल के एग्जाम में लेट पहुंचकर अपने भविष्य का नाश कर लिया, मोती लेट हो गया एग्जाम देने में, इसीलिए उसके भविष्य का म्यूटिलेट हो गया, नाश हो गया, मोती लेट हो गया एग्जाम में, जिसकी वजह से उसके भविष्य का म्यूटिलेट हो गया। नेक्स्ट है मिथ। मिथ मीन्स मिथक, एंशियंट स्टोरी, लीजेंड, फेबल, फिक्शन, सागा, पैरेबल। मिथ को हम मैथ से रिलेट कर लिया, मिथ मैथ। जो मिथ है वो कल्पना, जिसको हम बोलते हैं कल्पना भी कह सकते हैं, झूठी बात कह सकते हैं, तो मिथ को हमने मैथ से रिलेट कर लिया। मेरे लिए मैथ का सब्जेक्ट आसान है, ये एक झूठी बात या एक कल्पना कह सकते हैं, कल्पना कि जनरली बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो कोई कह रहा है कि मैथ मेरे लिए आसान सब्जेक्ट है, ये तो सिर्फ एक कल्पना है या एक मिथ है या एक झूठी बात है। नेक्स्ट है मैथोलॉजी। ये मिथ से ही रिलेटेड है, पिछला मिथ था हमारा, ये है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी मीन्स प्राचीन कथा, मिथ्स इन जनरल, फोकलोर, ट्रेडिशन, लोर, फोक टेल्स, जो हम पुरानी प्राचीन कथाएं, हमारे दादा नानी हमें प्राचीन कथाएं जो सुनाते हैं वो मिथोलॉजी बोलते हैं उसको। मिथोलॉजी को हमने मिथ और लॉजिक ऐसे याद कर लिया। तो मिथ तो हम पहले याद कर चुके हैं पिछले में, मिथ का मतलब था मिथक, यानी के जो कल्पना, फिक्शन या झूठी बात। अपने मिथ का लॉजिक देने के लिए वह प्राचीन कथा सुना रहा है, कोई किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, उसने अपना कोई काल्पनिक बात बताई, अब उसको लॉजिक से जोड़ने के लिए उसने क्या किया, कोई पुरानी सी कथा सुना दी कि पुरानी कथाओं में हमने ऐसे सुना है, इसलिए ये लॉजिक है। तो अपने मिथ को लॉजिकल बनाने के लिए उसने क्या सुनाया, प्राचीन कथा सुनाई, मैथोलॉजी के बारे में बताया। नेक्स्ट है नादीर। नादीर मीन्स निचला स्तर, द वर्स्ट मोमेंट, द लोवेस्ट पॉइंट, डेप्थ, बॉटम, अबेस। अब इसमें नादीर ये है, जैसे अपेक्स सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, नादीर सबसे नीचे वाला पार्ट, इसको हम नादीर बोल रहे हैं। नादीर को हमने रिलेट किया नदी से, नदी का यह निचला स्तर है, नदी का यह बिल्कुल नादीर है। ये मीनिंग मैं बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो नादीर का अपोजिट पूछा गया था, और नादीर का अपोजिट उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था जेनिथ। जेनिथ भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जीनतमान से उसको रिलेट याद कर सकते हैं जेनिथ को, कि जीनतमान जब अपने पीक पर थी, अपने करियर के पीक पे थी, तब उसने अपने करियर को छोड़ दिया था। तो करियर का पीक यानी कि जो सबसे ऊपर वाली पीक होता है उसको हम जेनिथ, और जो सबसे निचला भाग होता है उसको हम नादीर बोलते हैं। तो जेनिथ और नादीर एकदम अपोजिट वर्ड्स हैं। तो नादीर को हमने नदी से रिलेट किया, नदी का यह है निचला स्तर है, नदी का यह नादीर है। उसके बाद है नेप। नेप मीन्स गर्दन। अब इसको द बैक ऑफ द नेक, अब जो नेक का ये पिछला भाग होता है इसको हम नेप बोल रहे हैं, न्यूका, या फिर हम स्कर्फ बोल सकते हैं इसको, न्यूका स्कर्फ, नेप। अब नेप को हमने, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन नेप है, और नेप को हमने नाप से रिलेट किया, नाप, वो कॉलर बनाने के लिए नाप ले रहा है उसकी गर्दन का, वो नाप ले रहा है किसका, नेप का, उसे कॉलर बनाना है इसलिए वो नाप ले रहा है उसके नेप का, गर्दन का। नेक्स्ट है नेमेसिस।
नेमेसिस मीन्स प्रतिद्वंदी, जिसे हराना मुश्किल हो, रिवल दैट इज डिफिकल्ट टू डिफीट, यानी कि हमारे सामने हमारा कोई प्रतिद्वंदी खड़ा और लेकिन हमें पता है वो हम उसको हरा नहीं सकते, वो हमारा नेमेसिस होगा, हमसे ज्यादा जो पावरफुल हो, हमसे स्ट्रांग। नेमेसिस, इसको हमने नेम और सिस ऐसे रिलेट कर लिया, नेम सिस। मेरे घर में एक प्रतिद्वंदी है जिसे हराना मुश्किल है, कौन है वो? उसका नाम है सिस्टर। जनरली घरों में जो सिस्टर होती है वास्तव में उनको हराना मुश्किल होता है, तो हम मेरे घर में भी एक प्रतिद्वंदी है जिसे हराना मुश्किल, यानी कि मेरे घर में एक नेमेसिस है और उसका नाम क्या है? सिस्टर। नेक्स्ट है हमारा नियोलिजिज्म। नियोलिजिज्म मीन्स किसी शब्द का नया अर्थ, न्यू मीनिंग हम कह सकते हैं। अब नियोलिजिज्म को हमने न्यू लॉजिक ऐसे रिलेट कर लिया, न्यू लॉजिक। कोई नया लॉजिक लेके आओ जिससे इस शब्द का नया अर्थ निकले, कोई नया लॉजिक बताओ जिससे शब्द का कुछ न्यू ही मीनिंग निकले, नियोलॉजिज्म निकले जिससे। जैसे अगर इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे स्मोक और फोग दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड मिलना है, स्मोग। धुएं को और जो फोग को मिलाकर अगर हम बात करें, स्मोक बोलेंगे उसको। ब्रेकफास्ट और लंच को अगर मिला दें, यानी कि ना वो ब्रेकफास्ट हो ना वो लंच हो, ब्रंच जिसको बोलते हैं हम, स्पून और फोक उसको स्पोर्क बोलते हैं, तो ये नए मीनिंग्स हो गए, तो इसको हम नियोलॉजिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नियोफाइट। नियोफाइट मीन्स नो शिक्षा, बिगिनर, नाविस, यानी कि जो शुरुआत में, जिसने अभी अभी सीखना कुछ भी, कोई भी कला या कोई भी चीज सीखना शुरू किया, अभी वो शुरुआती दौर में, उसको नियोफाइट बोलेंगे। तो इसको हमने रिलेट किया नियोफाइट को, न्यू फाइट, इसने अभी नया नया फाइट करना सीखा, ये नौसिखिया है। किसी के बारे में हम बात करें कि इसने अभी, ये अभी नौसिखिया, क्योंकि अभी नया नया फाइट करना सीखा है, ये नियोफाइट है, नौसिखिया है। उसके बाद है नेक्सस। नेक्सस मीन्स सांठगांठ, कनेक्शन। नेक्सस को हमने सक्सेस से रिलेट कर लिया, सक्सेस कभी भी सांठगांठ से नहीं मिलती। सभी को पता है सक्सेस के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, कभी किसी कनेक्शन या शॉर्टकट या सांठगांठ से नहीं मिलती, तो सक्सेस कभी नेक्सस से नहीं मिलेगी, हमेशा हार्डवर्क से मिलेगी। नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स दुस्वप्न, यानी कि बुरा सपना, फ्राइटनिंग ड्रीम, जिसमें हम डर जाए ऐसा सपना, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। नाइटमेयर को हमने नाइट और मेरे ऐसे रिलेट कर लिया, तो नाइट, नाइट को मेरे को दुस्वप्न आया, वैसे तो सही जो लाइन होती है वो ऐसा होता है, नाइट को मुझे दुस्वप्न आया, लेकिन इसमें नाइट और मेरे आ रहा है, तो हमने इसके लिए ट्रिक बनाने के लिए ऐसे बोल दिया, नाइट को नाइट में या नाइट को मेरे को बुरा सपना आया या डरावना सपना आया, नाइटमेयर आया। उसके बाद है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स निशाचर, अकरिंग एक्टिव एट नाइट, यानी कि जो रात को एक्टिव रहे, निशाचर। इसको नॉक्टर्नल को हमने नेचुरल से रिलेट कर लिया, वो नेचुरल व्यक्ति नहीं लगता क्योंकि रात को पढ़ता है और दिन में सोता है, तो निशाचर है, नेचुरल नहीं लग रहा तो उसको नॉक्टर्नल लग रहा है, वो रात को जाग रहा है, नॉक्टर्नल। तो जनरली ये जो दिखा रखे नॉक्टर्नल एनिमल्स, जनरली जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं वो जो रेगिस्तान होता है वहां पर वही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि दिन में तो रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है, रेत इतना गर्म होता है कि वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि रात को जो निकल के एक्टिव रह सके, अपने फूड के लिए निकल सके, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा नोमेड। नोमेड मीन्स अस्थायी आवास वाले जनजाति के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, एक ऐसी जनजाति हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वो अपने घर ना बनाए, ऐसी जनजाति जो घर बनाने में घर नहीं बनाती, एक जगह से दूसरे, कुछ दिन एक जगह रुकी, कुछ दिन दूसरी जगह, ऐसे ही ट्रेवल करते रहे, उसको हम नोमेड बोलेंगे। नोमेड को हमने रिलेट किया नो और मेड ऐसे ही रिलेट कर लिया, नो मेड, यानी कि यहाँ पे हम ये मेड पागल के लिए बोल रहे हैं, नो मेड, वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, बस अस्थायी आवास का जनजाति का सदस्य है, इसीलिए इधर उधर घूमता रहता है। कोई कह रहा है, इनको मान लो कोई कह दिए तो पागल है, तो वो कह रहा है नहीं, ये पागल नहीं है, सिर्फ नोमेड है, सिर्फ अस्थायी आवास वाले जनजाति के सदस्य हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। इधर उधर घूमने का मतलब ये नहीं कि वो पागल है, तो ये नोमेड है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। पहला वर्ड हमारा था माओ। माओ को हमने म्याऊ से रिलेट किया था कि मेरी बिल्ली को उसने गाड़ी के नीचे कुचल दिया, तो व्हीकल से कुचलना माओ मीनिंग था इसका। वो था मल। मल हमने रिलेट किया था मोल से। आज हम मॉल में जाने का विचार कर रहे हैं, तो मॉल में जाने का मल कर रहे हैं, विचार करना। उसके बाद मस्टर। मस्टर को हमने मास्टर से रिलेट किया था, जैसे ही मास्टर आया उसने सभी बच्चों को मस्टर कर लिया, गैदर कर लिया, एकत्र कर लिया। उसके बाद था म्यूटिलेट। म्यूटिलेट को हम
हमने मोती और लेट, मोती हमने नाम से रिलेट किया था कि मोती नाम का कोई भी पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जो लेट हो गया एग्जाम देने में, और एग्जाम देने में लेट हो गया इस वजह से उसके भविष्य का नाश हो गया, नाश होना इसका मीनिंग था। उसके बाद है मिथोलॉजी, मिथोलॉजी को हमने मिथ और लॉजिक ऐसे रिलेट किया था कि उसने अपनी मिथ मिथ्या यहाँ पर काल्पनिक या अपनी झूठी बात को लॉजिक देने के लिए कोई पुरानी सी कथा सुनाई, तो प्राचीन कथा इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड था मिथ, मिथ को हमने मैथ से रिलेट किया था कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये एक मिथ है, ये एक काल्पनिक बात है या झूठी बात है, तो काल्पनिक या झूठी बात को हम मिथ बोल रहे थे। उसके बाद है नादिर, नादिर को हमने नदी से रिलेट किया था कि नदी का सबसे निचला स्तर है, तो सबसे निचला स्तर मीन्स नादिर। उसके बाद है नैप को हमने नाप से रिलेट किया था, और नाप को हमने कहा था कि वो उसकी कॉलर बनाने के लिए नाप ले रहा है उसकी गर्दन का, तो ये गर्दन का जो पिछला हिस्सा था उसको हम नैप बोल रहे थे। उसके बाद है नेमेसिस, नेमेसिस को हमने नेम और सिस ऐसे रिलेट किया था कि मेरे घर में एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जिसको हराना मुश्किल है, उसका नाम क्या है, सिस्टर, तो इसका मीनिंग था ऐसा प्रतिद्वंदी जिसको हराना मुश्किल हो। उसके बाद था नियोलिजिज्म, नियोलिजिज्म को हमने नया लॉजिक ऐसे रिलेट किया था कि वो कह रहा है कि नया लॉजिक, कुछ नया लॉजिक लेके आओ जिससे शब्द का कोई नया अर्थ निकले, तो नया अर्थ किसी शब्द का न्यू मीनिंग इसका मीनिंग था। उसके बाद नियोफाइट, नियोफाइट को हमने न्यू और फाइट ऐसे रिलेट किया था कि इसने नया नया अभी फाइट करना सीखा है, ये अभी नौसिखिया है, नौसिखिया बिगनर है। उसके बाद नेक्सस, नेक्सस को हमने सक्सेस से रिलेट किया था कि सक्सेस के लिए साठ गांठ नहीं चलती, सक्सेस के लिए नेक्सस नहीं चलता, हार्डवर्क करना होता, तो नेक्सस था साठ गांठ या कनेक्शन। उसके बाद नाइटमेयर, नाइटमेयर को हमने नाइट और मेरे, रात नाइट में मेरे को दुस्वप्न आया, ड्रावना सपना आया, तो यहाँ पे दुस्वप्न इसका मीनिंग था। उसके बाद नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल को हमने नेचुरल से रिलेट किया था, नेचुरल कि ये नेचुरल नहीं है, रात को तो जागता है, दिन में सोता है, रात को पढ़ता है, तो जो रात को जागे उसको हम बोलेंगे निशाचर यानी कि नॉक्टर्नल। उसके बाद था नोमेड, नोमेड को हमने नो और मेड ऐसे याद किया था कि पागल, पागल नहीं है जो इधर उधर घूम रहे हैं, इसका मतलब ये पागल नहीं है, सिर्फ नोमेड है। नोमेड का मीनिंग था कि एक ऐसी जनजाति के सदस्य हैं जो अस्थायी रूप से रहते हैं, यानी कि अस्थायी आवास वाले जनजाति के सदस्य, उनको हम नोमेड, उन सदस्यों को नोमेड बोल रहे थे। ये थे आज के 15 वर्ड हमारे, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।